हे दोस्तों, क्या आप जानते हैं हमें कार्टून वीडियो बनाने के लिए आउट एनिमेशन, ओवरऑल एनिमेशन और ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स की ज़रूरत पड़ती है। इस वीडियो में पूरे टॉपिक को मैं आपको क्लियरली बताने वाला हूँ, तो वीडियो में बने रहिएगा। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर एक गांव में एक छोटे से परिवार में रहने वाला लड़का था। उसका नाम गोपाल था। उसके पिता एक किसान थे और गाँव की फसलों की देखभाल करते थे। गोपाल के पास कोई बड़ा मकान नहीं था, लेकिन तो कार्टून स्टोरी वीडियो तो यहाँ देखिए, हर वीडियो में भाई लाख में मिलियन व्यूज रहता है। देखिए आप, 9 दिन पहले अपलोड है ये वीडियो और यहाँ देख सकते हैं 9,39,000 व्यूज है। यहाँ देखिए 5 लाख व्यूज है। यहाँ देखिए 1.7 मिलियन व्यूज है। यानी कि व्यूज का कमी आपको कभी नहीं होने वाला है, बस आपको कार्टून वीडियो अच्छा से बनाना आना चाहिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले हम बनाना सीखते हैं। तो सबसे पहले आपको कार्टून वीडियो बनाने के लिए चाहिए स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट के लिए आपको क्या करना है, सिंपली कुछ नहीं करना है। जाना है गूगल पे, यहाँ लिखना है ChatGPT। ChatGPT से आप अनलिमिटेड स्क्रिप्ट निकाल सकते हैं। अनलिमिटेड मैंने बहुत सारे वीडियो में बता रखा है, अभी भी बता देता हूँ मैं आपको। सिंपली ChatGPT लिखना है, सारे स्टेप्स को फॉलो कीजिएगा। देखिए ध्यान से, अब कुछ इस प्रकार से हमारा ChatGPT का वेबसाइट खुल जाएगा। नीचे आपको मैसेज ChatGPT का ऑप्शन आएगा। यहाँ आपको लिखना है सिंपली, जैसे कि आपको जिस भी चीज का स्टोरी चाहिए, आपको किसान का चाहिए किसान का लिख सकते हैं, बॉय का चाहिए तो बॉय का लिख सकते हैं। तो मैं सिंपली लिखता हूँ विलेज बॉय स्टोरी इन हिंदी, इस प्रकार से मैं लिखता हूँ। देन आपको करना है सिंपली सर्च। अब यहाँ देखिए, आपके पास इतना अच्छा स्टोरी सिंपली बना बनाया आपका एकदम स्क्रिप्ट तैयार होके आ जाएगा। देखिए हमारा यहाँ राइटिंग होना भी स्टार्ट हो चुका है। इतना ज्यादा आसान है आजकल के टाइम में कॉन्टेंट क्रिएट करना दोस्तों। आपको स्क्रिप्ट भी नहीं लिखना है, कुछ सोचना ही नहीं है, सब कुछ आपको फ्री में मिलेगा। तो यहाँ देखिए, इस प्रकार से हमारा स्क्रिप्ट आ गया। यहाँ देखिए, एक छोटे से गाँव में रहने वाले लड़के की कहानी बहुत प्रेरणादायक होती है। वह लड़का गांव के सबसे बड़े पेड़ के नीचे अपनी खुशी खुशी जिंदगी बिताता था। यहाँ आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से स्टोरी है। अब आपको कुछ नहीं करना है, ये हम मान के चलिए स्टोरी आपको पसंद आ गया। नहीं पसंद आया तो फिर से आपको नीचे मैसेज ChatGPT पे लिखना है, वही सेम लाइन विलेज बॉय स्टोरी इन हिंदी, फिर से नया स्टोरी आएगा। फिर पसंद नहीं आएगा फिर लिखिए, यानी कि अनलिमिटेड स्टोरी है, आपको बस लिखने आना चाहिए। इसी प्रकार से आपको निकालना है। तो सिंपली जैसे कि मुझे यह स्टोरी पे बनाना है, तो आपको क्या करना है, इस स्टोरी को सिंपली करना है पूरा कॉपी, जैसे कि मैं थोड़ा सा ही करता हूँ क्योंकि आपको एग्जांपल देना है। किस प्रकार से कॉपी करना है, और हर किसी के फोन में नोटपैड होता है, हर किसी के फोन में। तो जैसे कि मैं नोटपैड पर चल जाता हूँ, आपके पास नहीं होगा तो आप नोटपैड डाउनलोड भी कर सकते हैं प्ले स्टोर पर। नोटपैड एक ऐप अभी आता है, तो आप उस ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए मैं नोटपैड में ही सारे काम करता हूँ अपना। प्लस वाले आइकन पे जाना है नोट्स में, और इस स्टोरी को आपको कर देना है यहाँ पे। देखिए हमारा स्टोरी यहाँ आ चुका है। अब हमारे पास स्क्रिप्ट आ गया, अब हमें इसे करना है एनिमेट। तो एनिमेशन के लिए मैं यूज कर रहा हूँ सिंपली, ध्यान से देखिएगा, पोज मैक्स एक ऐप है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपली गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है पोज मैक्स। ध्यान से देखिए इस ऐप को, बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई मुझे ऐप मिल ही नहीं रहा है, तो आप बढ़िया से स्पेलिंग को देखिए, यही स्पेलिंग लिखिएगा तो ऐप मिल जाएगा आपको, फ्री है बिल्कुल। सिंपली इस प्रकार से ये ऐप का कुछ इंटरफेस है, आपको ओपन कर लेना है। अब यहाँ से वीडियो को ध्यान से देखिएगा, अच्छे से समझिएगा, क्योंकि यही सारा क्रिएटिविटी छुपा हुआ है। आपको यहीं से थोड़ा सा दिमाग लगाना है और कोई तरह का भी स्टोरी आप क्रिएट कर सकते हैं। अब कुछ इस प्रकार से हमारा पोज मैक्स का जो एप्लीकेशन है ओपन हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, बहुत ही सरल भाषा में आपको बता रहा हूँ मैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ आपको कैरेक्टर का एक ऑप्शन मिलेगा, फालतू कुछ मत देखिए, आपको कैरेक्टर का ऑप्शन मिलेगा। जो जो मैं बताता हूँ वही फॉलो कीजिएगा। कैरेक्टर वाले ऑप्शन पे जाना है। अब यहाँ देखिए आपके पास कस्टमाइज, आप चाहे तो कैरेक्टर को कस्टमाइज भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ आपको कस्टमाइजेबल कैरेक्टर्स मिल सकते हैं, और यहाँ आपको बना बनाए कैरेक्टर मिलेंगे। तो सिंपली आप देखिए, जैसे मैं बना बनाया कैरेक्टर लेता हूँ, बहुत सारे कैरेक्टर मिलेंगे आपके पास, ये बच्चा का है, ये है, वो है, बहुत सारे हैं। तो आपको क्या करना है, सिंपली कुछ नहीं करना है, जो कैरेक्टर आपको पसंद है उस पर क्लिक कर देना है। तो कुछ ऐड से अगर आपको बचना है तो आप सिंपली क्या करिएगा, डेटा को ऑफ कर लीजिएगा। ये हमारे पास ऐड आ गया, तो हम इसे कर लेते हैं स्किप। अब ये देखिए, ये कैरेक्टर जैसे मेरे पास आ गया। अब आप स्टोरी को पढ़िए, यहाँ से थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है स्टोरी में क्या हो रहा है। ध्यान से जैसे कि एक छोटे से गांव में रहने वाली लड़की की कहानी बहुत प्रेरणादायक होती है। वह लड़का गांव के सबसे बड़े पेड़ के नीचे अपनी खुशी खुशी जिंदगी बिताता था। अब हमें इस स्टोरी के हिसाब से एनिमेशन ये दिखाना है कि एक गांव है, वहां एक लड़का रह रहा है। इतना ही शुरुआत में आपको एनिमेशन दिखाना है, ध्यान से लाइन बाय लाइन आपको करते जाना है। जैसे कि एक छोटे से गांव में रहने वाली लड़की की कहानी बहुत प्रेरणादायक होती है, तो हमें दिखाना क्या है कि एक गांव है, वहां एक लड़का खड़ा है। स्टार्टिंग में ये लाइन में मुझे यही दिखाना है। देन सेकेंड लाइन में, वह लड़का गांव के सबसे बड़े पेड़ के नीचे अपनी खुशी खुशी जिंदगी बिताता था। उसके पास कोई शिक्षा की सुविधा नहीं थी, लेकिन उसमें जिज्ञासा और उत्साह था। अब स्टोरी के हिसाब से क्या हो रहा है, एक सीन हमें दिखाना है कि एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता है, घूमता फिरता दिखा देना है। सेकंड सीन में हमें दिखाना है कि एक पेड़ है, वहां एक लड़का वो बैठा हुआ है या फिर टेंशन में खड़ा है, क्योंकि उसके पास कोई कुछ शिक्षा की सुविधा नहीं, इस प्रकार से कुछ स्टोरी में कहा जा रहा है। तो टेंशन में ही खड़ा होगा पेड़ के पास। इस प्रकार से हमारे पास दो सीन आ गए। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले बैकग्राउंड आपको बाद में लाना है, पहले यहाँ आपको दिमाग लगाना है कि लड़का आपका कर क्या रहा है, जो आपका जो कैरेक्टर है वो कर क्या रहा है। तो पहला सीन में कैरेक्टर हमारा चल रहा है, एक छोटे से गांव में आपको दिखाना है कैरेक्टर को घूमते हुए। तो चलने के लिए आपको क्या करना है, अब यहाँ देखिए हमने कैरेक्टर चूज कर लिया। अब यहाँ आपको एनिमेशन का ऑप्शन मिलेगा, देख रहे हैं
फालतू कुछ नहीं देखना है आपको एनिमेशन का। और अगर आप स्टार्टिंग में इस ऐप को ओपन कीजिएगा तो आपका ग्रीन स्क्रीन नहीं आएगा। तो इस ग्रीन स्क्रीन को लाने के लिए आप क्या कीजिएगा, सेटिंग पे जाइएगा और यहाँ आप क्या कीजिएगा, बैकग्राउंड पे क्लिक करके यहाँ आप ग्रीन सेलेक्ट कर लीजिएगा। देख लीजिए, यहाँ आप ग्रीन सेलेक्ट कर लीजिएगा तो आपका ग्रीन स्क्रीन आ जाएगा और आपको जो भी शूट करना है ग्रीन स्क्रीन में ही शूट करना है। अब आपको क्या करना है, एनिमेशन पे क्लिक करना है। अब यहाँ आपके पास हर तरह का एनिमेशन आ जाएगा, आप कुछ भी करवा सकते हैं, एंग्री, क्रॉल, क्लैप, क्लाइंब यानी कि डांस, कुछ भी करवा सकते हैं। तो स्टार्टिंग में क्या करना है, हमें लड़का को वॉक करते हुए दिखाना है। तो आपको क्या करना है, वॉक ढूंढना है आपको। ये देखिए वॉक है, आप देखिए वॉक पे क्लिक करते साथ ये लड़का हमारा चलने लगा। अब एक चीज का आपको और ध्यान रखना है, लड़का जो है किस डायरेक्शन में जा रहा है, यानी कि वो फ्रंट डायरेक्शन में जा रहा है, जैसे मैं आपके पास फ्रंट में आ रहा हूँ तो फ्रंट वाला लेना है। और अगर वो साइड डायरेक्शन में जा रहा है तो आपको लड़का को क्या करना है, यहाँ देखिए आपके पास एक ऑप्शन मिलेगा, देखिए नीचे आपको कैमरा का ऑप्शन मिल रहा है, इस पर क्लिक करके आप इसका चेंज कर सकते हैं डायरेक्शन। तो हमें जैसे डायरेक्शन ये वाला चाहिए तो मैं इस पर ऐसे ऐसे घुमा देता हूँ इसको। देन आपको क्या करना है, इस तरह से मुझे चलते हुए कैरेक्टर चाहिए ये इस प्रकार से, तो आप मुझे ये कैरेक्टर को शूट करना है। तो शूट करने के लिए कुछ नहीं करना है आपको दोस्तों, यहाँ देखिए आपको ये जो रेड वाला बटन दिख रहा है इस बटन पे आपको सिंपली क्लिक करना है, देन आपका ये वीडियो शूट होना स्टार्ट हो जाएगा। मैं शूट करके आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि मेरा पहले से स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रहा है। तो आपको क्या करना है, सिंपली इस रेड वाले बटन पे क्लिक करना है, आपका शूट हो जाएगा। देन शूट होने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ आपको दिख रहा है ये, इस पे आपको क्लिक करना है। तो इस पे क्लिक करने से ये सेव हो जाएगा, यानी कि आपको चलने वाला एक कैरेक्टर शूट कर लेना है। अब हमारा चलने वाला हो गया। देन नेक्स्ट में क्या हो रहा है, लड़का टेंशन में खड़ा है, तो आपको क्या करना है, टेंशन वाला थिंक वाला सोचना है, जैसे कि ये थिंक सोच रहा है तो हमें थिंक वाला सोचना है। लेकिन इस सीन में क्या होगा, जो लड़का है वो फ्रंट साइड खड़ा है यानी कि चेहरा उसका आगे रहेगा। तो आगे करने के लिए आपको क्या करना है, ऐसे क्लिक करना है। अभी देखिए टेंशन में खड़ा है, अब टेंशन वाला जो हमारा बैकग्राउंड है उसे आपको सिंपली क्या करना है, इसे शूट कर लेना है इस कैरेक्टर को। इस पर क्लिक करके आपको लंबा से लंबा एक वीडियो शूट कर लेना है इस प्रकार से। आप यानी कि आपका कैरेक्टर जो भी कर रहा है, अगर टॉप कर रहा है तो टॉप वाला शूट कर लीजिए। अगर आपका दो कैरेक्टर है तो आप पहले इस कैरेक्टर का टॉप वाला राइट साइड करके शूट कर लीजिए, दूसरा कैरेक्टर का लेफ्ट साइड करके शूट कर लीजिए। यानी कि आपको कैरेक्टर्स का शूट पहले कर लेना है, देन आपको क्या करना है, शूट करने के बाद, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, शूट करने के बाद आपको क्या करना है, बैकग्राउंड लाना है। अब आप चाहे तो बैकग्राउंड एक फोटो भी रख सकते हैं, वीडियो भी रख सकते हैं, दोनों में आपको बताने वाला हूँ। फोटो रखने के लिए आपको क्या करना है, ऐप डाउनलोड करना है, इमेज सर्च में इस प्रकार से ऐप है, यहाँ आपको सिंपली सर्च करना है कार्टून विलेज बैकग्राउंड इमेज। अब यहाँ आपको आपके कार्टून के हिसाब से जो भी बैकग्राउंड आपको चाहिए, देखिए बहुत सारे बैकग्राउंड मिल जाएंगे, जो भी चाहिए आप डाउनलोड कर लीजिए। नहीं तो आप क्या कीजिए, अगर आपको बैकग्राउंड में वीडियो चाहिए, जैसे कि आप चलता फिरता, कौआ चल रहा है, कुत्ता घूम रहा है, तो इस प्रकार से आपको अगर वीडियो लगाना है बैकग्राउंड में क्योंकि वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है देखने में, तो आपको क्या करना है, सिंपली आपने यूट्यूब पे जाना है। देखिए ये कोई नहीं बताएगा आपको, सिंपली यूट्यूब पे जाना है, यहाँ आपको सर्च करना है कार्टून फ्री बैकग्राउंड्स, इस प्रकार से आपको सर्च करना है। देखिए कार्टून फ्री बैकग्राउंड, अब यहाँ देखिए आपके पास बहुत सारे फ्री के बैकग्राउंड, जैसे अगर आपको ये बैकग्राउंड चाहिए तो ये बैकग्राउंड आप सेव कर लीजिए। कैसे सेव करना है यूट्यूब से मैं आपको बता नहीं सकता। इस प्रकार से आपको बहुत सारे रॉयल्टी फ्री बैकग्राउंड्स आपको मिल जाएंगे। देखिए अगर आपको ये वाला बैकग्राउंड चाहिए, यहाँ आप देख पा रहे होंगे, देखिए कितना अच्छा बैकग्राउंड है, यहाँ देख रहे हैं ऊपर कौआ उड़ रहा है, इस प्रकार से बादल चल रहे हैं, तो आपको इस तरह से चलता फिरता बैकग्राउंड चाहिए तो आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपको ये चाहिए नदी के किनारे का बैकग्राउंड तो आप ये वाला सेव कर लीजिए। इस प्रकार से आपको कुछ नहीं करना है, जो भी बैकग्राउंड आपको पसंद है उसे सेव कर लेना है। आपको कॉपीराइट नहीं आएगा इसका गारंटी मैं देता हूँ, और सारे कॉपीराइट फ्री है, यहाँ आप देख रहे हैं जितने भी आएंगे नो कॉपीराइट, सब कॉपीराइट फ्री होते हैं। आप पूरा ओवरऑल सब कुछ डाउनलोड करने के बाद बैकग्राउंड कैरेक्टर वहाँ से शूट कर लीजिए। अब इसे हमें करना है सिंपली एडिट, लेकिन एडिट से पहले हमें चाहिए वॉइस। वॉइस अगर आप चाहें तो AI का यूज कर सकते हैं, कभी वॉइस यूज कर सकते हैं। अगर आप खुद का वॉइस यूज करते हैं तो ज्यादा बेहतर रहेगा, लेकिन बहुत सारे लोग खुद का वॉइस यूज करने में प्रॉब्लम होता है। तो मैं AI वॉइस के लिए क्या करता हूँ, सिंपली आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है जिसका नाम है टेक्स्ट टू स्पीच, इस प्रकार से एक एप्लीकेशन है, इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए बहुत सरल भाषा में बता रहा हूँ आपको। अब यहाँ आपको लैंग्वेज में क्लिक करना है। अब यहाँ आप देखिए कितने सारे लैंग्वेज मिलेंगे आपको, आप चाहें तो बंगला में शूट कर सकते हैं, इंडिया के ही बहुत सारे लैंग्वेज मिलेंगे, डोगरी में शूट कर सकते हैं, इतने सारे लैंग्वेज, हिंदी है, गुजराती है, अगर आप चाहें कि गुजराती या बंगला में कार्टून वीडियो बनाना चाहते हैं तो वहाँ उस प्रकार से वॉइस आप यहाँ से निकाल सकते हैं। और अगर आपको हिंदी बनाना है तो सिंपली हिंदी सेलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ इतने सारे वॉइस आपको मिल जाएंगे, आपको कोई सा भी सेलेक्ट कर लेना, जैसे कि मैं 812 सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये वॉइस हमारा आ गया। देन आपको डन करना है। अब आपको क्या करना है, जिस नोट्स में हमने वो सेव करके रखा था आपको वहाँ जाना है, इसे कॉपी करना है, सिंपली यहाँ हमें कर देना है इसे पेस्ट। आप पेस्ट करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ वॉल्यूम वाले पे क्लिक कीजिए। देखिए गांव की जिंदगी की कहानी बहुत प्रेरणादायक होती है, वो लड़का गांव के सबसे बड़े पेड़ के नीचे अपनी खुशी खुशी जिंदगी
यहाँ देखिए हमारे पास वॉइस आ चुका है सिर्फ एक क्लिक में। यानी कि अगर आपको AI वॉइस यूज करना है तो इस प्रकार से आपको वॉइस ले आना है, देन आपको कर देना है इसे एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ फाइल नेम सेव कर लेना है, जैसे कि मैं विलेज कार्टून वीडियो ऐसे लिख देता हूँ। अब इस प्रकार से लिखने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली सेव कर लेना है। अब ये देखिए आपका ऑडियो फाइल सेव हो गया। देन आपको सिंपली इसे करना है एडिट। एडिट के लिए आप कोई सा भी एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैं काइनमास्टर, बहुत सारे लोगों को अच्छे से समझ में आता है, काइनमास्टर मैं यूज कर लेता हूँ। अगर आपके पास फ्री वाला काइनमास्टर नहीं है तो नीचे टेलीग्राम का मेरा लिंक होगा, वहाँ चल जाएगा, वहाँ मैंने डाल रखा है, बस वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। आपके पास फ्री वाला काइनमास्टर यहाँ आ जाएगा, यानी कि आपके काइनमास्टर में लोगो नहीं मिलेगा। तो सिंपली क्या करना है, क्रिएटिव पे क्लिक करना है। अब आपको क्या करना है, इसमें हमारा हो क्या रहा है, एक लड़का जो है वो विलेज में गांव में घूम रहा है। तो उस प्रकार से आपको क्या करना है, उस प्रकार से यहाँ आपको बैकग्राउंड लाना है। तो बैकग्राउंड आपको देखिए, जैसे मैंने कुछ बैकग्राउंड डाउनलोड करके रखा है तो मैं ले आता हूँ, जैसे कि विलेज का एक बैकग्राउंड है मेरे पास, तो मैं सिंपली इसे कर लेता हूँ इम्पोर्ट। कुछ इस प्रकार से हमारा बैकग्राउंड आ जाएगा। ये जो स्टार्टिंग वाला पार्ट रहेगा उसे आपको सिंपली क्या करना है, ट्रिम एंड स्प्लिट पे क्लिक करके ट्रिम लेफ्ट कर देना है। पहले वाला पार्ट को आपको डिलीट कर देना है। देखिए ये हमारा बैकग्राउंड यहाँ कुछ इस प्रकार से आ गया। यहाँ आपको दो बैकग्राउंड मिल रहे हैं, जो भी आपको पसंद है वो लगा सकते हैं। जैसे कि मुझे ये जो काव वाला बैकग्राउंड है, गाय वाला, ये मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो सिंपली क्या करना है, टीम स्प्लिट करके स्प्लिट करना है, और स्टार्टिंग वाला पार्ट को जो बैकग्राउंड आपको नहीं रखना है उसे कर देना है डिलीट। अब ये देखिए हमारा बैकग्राउंड आ गया। अब हमें इसे इसमें रन करना है कैरेक्टर, यानी कि इसमें कैरेक्टर को लाना है। तो सिंपली मैंने जैसे बताया था, आप शूट कर लीजिएगा कैरेक्टर को बैकग्राउंड के हिसाब से, स्टोरी के हिसाब से। अगर वो स्टोरी में चल रहा है तो चलने वाला शूट कर लीजिएगा, बोल रहा है तो बोलने वाला कर लीजिएगा। तो मैंने एक कैरेक्टर को शूट करके रखा था बस आपको बताने के लिए, तो मैं उसे सिंपली ले आता हूँ। क्या करना है, लेयर वाले पे क्लिक करना है, मीडिया पे जाना है। देन आपको क्या करना है, जैसे मैंने ये वाला कैरेक्टर शूट कर रखा है तो मैं ये वाला कैरेक्टर को ले आता हूँ। देखिए ये हमारा जो कैरेक्टर, इसी प्रकार से आपका वो वाला कैरेक्टर आ जाएगा। ये देखिए हमारा कैरेक्टर कुछ इसी प्रकार से यहाँ आ चुका है। अब मुझे यहाँ दिखाना है कुछ इसे चलते हुए दिखाना है। तो क्या करना है, इसको ट्रिम स्प्लिट पे करके इसको फालतू का आगे का जो पार्ट है उसे सबसे पहले हटा देना है। देन आपको क्या करना है, इसे पकड़ना है, ये जो कैरेक्टर है हमारा यहाँ से चलना स्टार्ट करेगा। देखिए इसे आपको यहाँ इसे प्लीज प्रकार से पकड़ना है। देन आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करके नीचे जाना है, आपको क्रोमा की पे जाना है और इसे अनेबल करना है। अभी देखिए हमारा कैरेक्टर जो आ चुका है, इसे अपने हिसाब से थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा ताकि ये देखने में और ज़्यादा शार्प हो जाए। इस प्रकार से देखिए कैरेक्टर आ गया। अगर आपको कैरेक्टर को थोड़ा बड़ा करना है स्टोरी में तो बड़ा कर सकते हैं आप, छोटा करना है तो छोटा कर सकते हैं। सारे चीज़ आप यहाँ से आप वीडियो बनाना स्टार्ट कीजिएगा, प्रैक्टिकली कीजिएगा तो आपको समझ में आने लगेगा। ये देखिए हमारा कैरेक्टर आ चुका है। अब आपको क्या करना है, इसमें यूज करना है आपको की फ्रेमिंग। की फ्रेमिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। की फ्रेमिंग से ही कार्टून वीडियो पूरा ही बनने वाला है। तो आपको इस पर क्लिक करना है। देन आपको यहाँ देखिए की फ्रेमिंग का ऑप्शन दिखेगा, देख रहे हैं यहाँ, इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। की फ्रेमिंग पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, एकदम लास्ट में आ जाना है, जैसे कि आपके वीडियो के एकदम यहाँ आ जाना है, देख रहे हैं यहाँ। अब यहाँ आने के बाद आपको क्या करना है, इस कैरेक्टर को पकड़ना है सिंपली और यहाँ आपको यहाँ ला के रख देना है। अब इससे क्या होगा कि ये कैरेक्टर जो है यहाँ से हमारा चलना स्टार्ट करेगा, यहाँ से चलना और यहाँ जाके रुकेगा। इस प्रकार से ये हो जाएगा सिंपली। अभी देखिए आपका एक क्लिक में ये हो गया कंप्लीट। इसी प्रकार से आप की फ्रेमिंग कीजिएगा, जैसे मैंने बताया, आप अच्छे से देख लीजिएगा। अभी देखिए हमारा चलता हुआ कैरेक्टर दिखेगा, देखिए देखिए हो रहा है, हो गया हमारा कंप्लीट। इस प्रकार से आपको करना है। तो हमारा एक सीन तैयार हो गया। अब सबसे पहले आप म्यूजिक को एक्सपोर्ट कर लीजिएगा। यहाँ तो आपको समझ में आ गया कि आगे आपको करना क्या है। तो आपको क्या करना है, ऑडियो पे जाना है और अभी जो हमने AI वॉइस डाउनलोड किया था फोल्डर पे जाके, उस वॉइस को आपको सिंपली ले आना है, जैसे कि ये वाला। देखिए हमारा वॉइस यहाँ आ चुका है, सिंपली ये वाला वॉइस को आपको सिंपली यहाँ ले आना है। देखिए यहाँ तक हमारा हो गया। नेक्स्ट सीन में हमारा बैकग्राउंड क्या रहेगा, सबसे पहले इसी प्रकार से आपको सोचना है बैकग्राउंड हमारा क्या रहेगा। पेड़ के पास जो है वो हमारा लड़का खड़ा है, नेक्स्ट में हमारा ये हो रहा है, टेंशन में खड़ा है। तो आपको क्या करना है, पेड़ वाला बैकग्राउंड को लाना है। तो मैं बस आपको एग्जांपल देने के लिए सिंपली कोई सा भी बैकग्राउंड लाता हूँ। मीडिया पे जाना है आपको सिंपली, और एक कोई सा भी आपको बैकग्राउंड ले आना है, जैसे कि मेरे पास एक ये बैकग्राउंड डाउनलोडेड है तो मैं सिंपली ये वाला बैकग्राउंड ले आता हूँ। देखिए ये वाला एक बैकग्राउंड है हमारे पास। तो क्या करना है, आपको सबसे पहले बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना है, ट्रिम लेफ्ट कर देना है। कितना दूर तक आपको बैकग्राउंड रखना है, जैसे कि मुझे यहाँ तक रखना है इस बैकग्राउंड को, तो मैं सिंपली क्या करता हूँ यहाँ तक इसे रखता हूँ। देन आपको क्या करना है, फालतू का पार्ट को इसे ट्रिम राइट कर देना है। अब एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अगर आप AI वॉइस यूज करेगा तो बीच बीच में आपको स्पेस मिलेगा, यहाँ देख रहे हैं बीच बीच में, यानी कि खाली स्पेस आपको मिलेगा। मैं चला दिखाता हूँ, देखिए अब इतना देर जो रुक रहा है वो देखने में अच्छा नहीं लग रहा है। तो आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है, देन आपको टीम स्प्लिट पे करना है, स्प्लिट कर देना है, फिर आगे आपको स्प्लिट करना है नेक्स्ट, फिर से उसी प्रकार से। और आपको क्या करना है, बीच वाला पार्ट को इसे क्लिक करके कर देना है डिलीट। अब इसे पकड़ना है आपको सिंपली और इसे यहाँ कर देना है, चिपका देना है आपको। अब ये देखिए हमारा साउंड सुनने में अच्छा लगेगा, देखिए आप। देखिए हमारा आ गया। अब आपको क्या करना है, लड़का टेंशन में खड़ा है वो वाला लाना है। तो आपको सिंपली क्या करना है, जो भी कैरेक्टर लाना है उसे आपको लेयर पे क्लिक करके लाना है। तो सिंपली लेयर पे जाना है, मीडिया पे जाना है। अब हमारा जो टेंशन में लड़का खड़ा है वो वाला कैरेक्टर मैं ले आता हूँ। तो मैंने अगर शूट कर रखा हो तो मैं ले आता हूँ, जैसे कि ये कैरेक्टर मैंने एक शूट कर रखा है पहले से,
तो ये वाला मैं ले आता हूँ सिंपली। अब इसे आपको थोड़ा सा अपने हिसाब से यहाँ इसे एडजस्ट कर देना है, तो इस प्रकार से बड़ा छोटा करके। देन आपको नीचे जाना है और आपको क्या करना है, यहाँ आपको सिंपली करना है क्रोमा पी की पे क्लिक, क्रोमा की को एनेबल कर देना है और इसे अपने हिसाब से कर देना है एडजस्ट। आप चाहें तो थोड़ा और बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं अपने हिसाब से। जैसे कि ये हमारा फुल सीन तैयार हो गया। अब ये देखिए देखने में कितना अच्छा लगेगा, देखिए आप। आपको समझ में आ गया। अब ये देखिए हमें यहाँ तक चाहिए ये कैरेक्टर, इसके बाद नहीं चाहिए। तो मैं सिंपली इसे कर देता हूँ ट्रिम राइट। देन अब इस बैकग्राउंड को भी कर देता हूँ मैं डिलीट। अब ये देखिए हमारा बैकग्राउंड जो हट गया। देखिए इस तरह से आपको क्या करना है, पूरा स्टोरी को आप इसी प्रकार से एनिमेट करते जाइए। अगर लड़का किसी से बात कर रहा है तो आप टॉक वाला वहां से सेव कर लीजिए, और जिससे बात कर रहा है आप चाहें तो दो चार पांच कितने भी कैरेक्टर यूज कर सकते हैं। मैंने तो बस एक कैरेक्टर यूज किया है। अगर दो कैरेक्टर बात करें तो इसी प्रकार से आपको क्रोमा की से दो कैरेक्टर को आमने सामने ले आना है, देन आपको टॉक वाला लगा देना है। इस तरह से आप चाहें तो पूरा एक स्टोरी वीडियो तैयार कर सकते हैं पूरा अच्छा से। अभी आपका काम खत्म नहीं हुआ है, अब पूरा मैंने तो बस दो सीन आपको बना के दिखाया है। इसी प्रकार से आपको सीन बनाते चल जाना है। सीन बनाने के बाद आपको क्या करना है, एक चीज़ और ध्यान से देखिएगा। सीन बनाने के बाद आपको क्या करना है, इसमें बैकग्राउंड म्यूजिक लगाना है। बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कार्टून वीडियो के लिए। अगर आपके पास कार्टून के लिए बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं है, अगर आप कोई साइड वाला कार्टून वीडियो बना रहे हैं उस प्रकार से आपको बैकग्राउंड म्यूजिक चाहिए, तो मैं आपको अपने टेलीग्राम पर डाल दूंगा, वहां से ले आइएगा। जैसे कि मेरे पास एक कार्टून का बैकग्राउंड म्यूजिक है तो मैं इसे लगा कर दिखाता हूँ सिंपली। तो मैं सिंपली लगा देता हूँ, इस पर क्लिक करके आपको यहाँ लगा देना है। देन आपको अपने बैकग्राउंड म्यूजिक का जो साउंड है उसे आपको सिंपली कम कर देना है। जैसे कि मैं यहाँ कर देता हूँ 30 या 25, इस प्रकार से आपको कर देना है। देन मैं आपको इसे चला के दिखाता हूँ। देखिए यहाँ देख रहे हैं आप कितना बढ़िया स्टोरी हमारा बनके तैयार हो चुका है भाई। अगर आप दो से तीन वीडियो बना लीजिएगा, मैं भी तो स्टार्टिंग में ही बना रहा हूँ, तो आपको आइडिया आ जाएगा कि आपको क्या करना है। आप कुछ भी करवा सकते हैं इस कैरेक्टर से, आपको बस थोड़ा सा दिमाग का यूज करना है, थोड़ा सा क्रिएटिविटी लगाना है, कोई भी तरह का कार्टून स्टोरी इस प्रकार से बना देना है। तो इस प्रकार से आपको वीडियो बनाना है। अब जिन्हें वॉइस ओवर करना है उसको क्या करना है, ध्यान से देखिए। वॉइस ओवर के लिए आपको क्या करना है, रिकॉर्डिंग पे क्लिक करना है आपको सिंपली, देखिए। देन आपको यहाँ स्टार्ट पे क्लिक करना है और जो स्टोरी है आपको अच्छे से पढ़ना है खुद के वॉइस में। आप और भी कार्टून वीडियो को देखिएगा जो इस प्रकार से स्टोरी वाले कार्टून वीडियो बनाते हैं, उसको देखिएगा कैसे पढ़ता है, उस प्रकार से आपको पढ़ना है। दो से तीन वीडियो अगर बनाइएगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आने लगेगा कि कैसे आपको पढ़ना है अपने स्टोरी को। तो इस प्रकार से आप अगर चाहें तो खुद का वॉइस बना सकते हैं, AI वॉइस से बनाना चाहते हैं स्टार्टिंग में तो AI वॉइस भी बना सकते हैं। तो आपको होप समझ में आया होगा कि कैसे आपको वीडियो बनाना है। पूरा वीडियो बनाने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ आपको एक एक्सपोर्ट का बटन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। यहाँ आप 4K 2K कुछ भी में कर सकते हैं, तो मैं जैसे 4K में करता हूँ। देन आपको कर देना है सेव एज वीडियो। अभी हमारा वीडियो हो जाएगा सेव। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब बिल्कुल कर देना दोस्तों, और दोस्तों सब्सक्राइब का बटन दबा देना। चलते दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।